हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे अपनी वेबसाइट में गूगल टैग मैनेजर को ऐड कर सकते हो। तो गूगल टैग मैनेजर आपकी वेबसाइट में ऐड होने के बाद और आपने प्रीव्यू करके डबिंग करके अच्छे से देख लिया था, तो इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप जब भी आपकी वेबसाइट पर कोई भी क्लिक करेगा तो आप सीधे उसका जो इन्फॉर्मेशन डाटा है वो सीधा आप गूगल शीट पर कैसे लेके आ जाओगे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। ओके, तो चलेगा इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिनको गूगल टैग जीटीएम लगाना आता है वो चाहे तो वो डायरेक्टली वीडियो देख सकते हो। अगर जिनको जीटीएम लगाना नहीं आता है दोस्तों, तो पहले आप मेरी उस वाली वीडियो को देख लेना, मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ओके, तो चलिए हमने जीटीएम अपनी वेबसाइट में फायर टैग लगा दिया था, तो हम उसका इन्फॉर्मेशन को अपने गूगल शीट पर लेके आएंगे अभी। तो आपको गूगल शीट पर आ जाना है सबसे पहले। तो यहाँ पे ब्लैक आपको एक शीट क्रिएट कर लेनी है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ज्योति केयर, ओके। और यहाँ पे आपको अपनी शीट का नाम डालना है, जेटीएम फायर टैग। ओके, कुछ भी नाम डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, ऐप स्क्रिप्ट पे आना है, आपको ये जो फंक्शन है इसको कॉपी करना है। उससे पहले आपको यहाँ पे, चलो मैं एक और वेबसाइट, कैटेगरी ले लेते हैं और बटन ले लेते हैं, और यहाँ पे हम डेट टाइम ले लेंगे। कैटेगरी बटन डेट टाइम, ओके। जो भी बंदा हमारी अगर हम कोई बंदा अगर हमारी वेबसाइट पे आता है, अगर यहाँ पे क्लिक करता है मेक एन अपॉइंटमेंट पे, तो क्या आगे कैटेगरी हमारी क्लिक हो जाएगी। ओके, और बटन का टेक्स्ट हमारा मेक एन अपॉइंटमेंट हो जाएगा, जो कि यहाँ पे डिस्प्ले होगा, और यहाँ पे डेट और टाइम होगा किस समय किस टाइम पे उसने क्लिक किया था। ओके, तो हमने ये कॉलम बना लिया, तो हमें क्या करना है, ये स्क्रिप्ट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपको ये स्क्रिप्ट कॉपी करनी है यहाँ से, और यहाँ पे कंट्रोल भी करके पेस्ट कर देना है। ओके, एक बार यहाँ पे इसको सेव करना है, कंट्रोल एस करके सेव कर सकते हो, और यहाँ पे एक बार रन करके देख लेना है कि आपको कोई भी स्क्रिप्ट में एरर वगैरह है तो नहीं। अगर होगा तो आपको यहीं पर डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे आपको रिव्यू का परमिशन पूछेगा, तो आपको ऐड करना है। बहुत ही आसान है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर देना, आई विल हेल्प यू। तो ये हमारा सक्सेसफुली, कोई एरर नहीं है, तो मतलब स्क्रिप्ट हमारी ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ट्रिगर ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ पे ऐड ट्रिगर पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे डू गेट फंक्शन, और यहाँ पे ऑन ओपन, ये ठीक है। उसके बाद ये भी सिलेक्ट करना है, ये फिल नोटिफिकेशन, अगर कोई भी स्क्रिप्ट हमारी चलती है और वो सक्सेसफुली रन नहीं होती तो आपको ये जीमेल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर देना है, तो फिर हमारा ट्रिगर हमारा ऐड हो चुका है। जितनी बार भी आपकी स्क्रिप्ट चलेगी वो यहाँ पे रन दिखाई देगी। अब हमें क्या करना है, डिप्लॉय करना है अपने स्क्रिप्ट को। यहाँ पे न्यू डिप्लॉयमेंट करना है आपको,
वेब पे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ज्योति केयर स्क्रिप्ट, और यहाँ पे एनीवन कर देना है, डिप्लॉय पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये आपको स्क्रिप्ट मिल जाएगी, आप यहाँ पे इसको कॉपी कर सकते हो और फिर यहाँ पे पेस्ट करना है। अगर चेक कर लेते हैं कि ये स्क्रिप्ट हमारे सक्सेसफुली रन कर रही नहीं कर रही है, तो आपको सीट नेम डालना है। ठीक है, यहाँ पे सीट नेम डालने के बाद फिर आपको यहाँ पे ये वाला सीट नेम है फायर टैग कर देते हैं और एंटर करते हैं कि हमारी स्क्रिप्ट सक्सेसफुली रन कर रही नहीं कर रही है, अभी हमें पता चल जाएगा। तो अगर सक्सेसफुली रन कर रही होगी तो आपको यहाँ पे ये मैसेज आ जाएगा सक्सेस का, और अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे तो ये आपको टाइम के साथ यहाँ पे मैसेज आ जाएगा। ओके, अभी बज रहे 8, तारीख है 20 जून, तो सक्सेसफुली मैसेज आ गया। तो अब हमें ये क्या करना है आपको, और दूसरी बात, अगर आपके स्क्रिप्ट में कोई प्रॉब्लम आती है फिर आप उसको मॉडिफाई कैसे करोगे, आपको पहले स्क्रिप्ट को जो भी मॉडिफाई करना है आपको मॉडिफाई कर लेना है, उसके बाद कंट्रोल एस करना है, कंट्रोल एस करके सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे मैनेज डिप्लॉयमेंट में आना है। ओके, आपको यहाँ पे एडिट पे करना है और यहाँ पे एक न्यू वर्जन सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पे फिर से डिप्लॉय कर देना है। ठीक है, डिप्लॉय करने के बाद आपकी जो ये स्क्रिप्ट है अपडेट हो जाएगी सक्सेसफुली, और यहाँ पे आप वेब का ले सकते हो, वही सेम URL होगा। तो अब क्या करना है आपको, मैं आपको बताता हूँ। ये आपकी स्क्रिप्ट हो गई, इसके आगे आपको क्वेश्चन मार्क डालना है और यहाँ पे सीट नेम लिखना है। सीट नेम क्या था हमारा, फायर टैग। उसके बाद आपको एन लगाना है, एन लगाने के बाद आपको कॉलम का नाम डालना है, कैटेगरी। कैटेगरी क्या है हमारी, कैटेगरी है हमारी क्लिक, और यहाँ पे एंड करना है, और फिर यहाँ पे बटन पूछ रहा है। बटन क्या होगा, तो बटन का टेक्स्ट होगा हमारा। बटन का टेक्स्ट क्या होगा, बटन डायनेमिक होगा, तो यहाँ आपको इस तरह से लिख लेना है क्लिक टेक्स्ट, ये आपको ऐड करना है। ठीक है, इस तरह से कॉपी कर लेना है। अब आपको आना है गूगल टैग मैनेजर में, जहाँ पे स्क्रिप्ट है हमारी। ओके, आप इसको एडिट करना और यहाँ पे को कॉपी पेस्ट कर देना है। यहाँ पे डेट टाइम भी था, ये भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी रन होगी स्क्रिप्ट। क्लिक टेक्स्ट किया है दोस्तों, जब भी कोई बटन पे क्लिक करेगा हमारे तो उसके उस बटन का जो भी टेक्स्ट लिख रहा है वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा डायनेमिक के थ्रू। ठीक है, तो अब हमें इसको सेव कर देना है यहाँ पे। चलिए अब हम प्रीव्यू करते हैं कि ये स्क्रिप्ट हमारी सक्सेसफुल रन कर रही नहीं कर रही है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक किया हमने, ये हमारा टैग फायर नहीं हुआ। क्यों नहीं टैग फायर हुआ, क्योंकि इसमें GTM फायर लगा नहीं होगा क्लासेस हमारी, जो हमने पिछले वीडियो में लगाया था, नहीं लग रहा है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, इसमें हमारा लगा हुआ था, तो ये हमारा टैग फायर हो गया होगा। टैग फायर सक्सेसफुली हो गया। जैसे हमारा टैग फायर होता है दोस्तों कि, तो फिर ये एक स्क्रिप्ट चलती है, स्क्रिप्ट चलने के बाद आपके जो गूगल शीट में उसको डाटा को इंसर्ट कर देती है। अगर आप गूगल टैग में आओगे तो देख सकते हो, यहाँ पे बटन का नाम है मैक टैग, कैटेगरी क्लिक है हमारी। ठीक है, तो इस तरह से आपकी वेबसाइट में आप गूगल टैग मैनेजर से टैग को फायर करते ही अपने गूगल शीट पर डाटा सेंड कर सकते हो।
और देख लेते हैं यहाँ पे दो तीन जो जो हमने लगाया था। यहाँ पे हमने एक सेन बटन पे भी लगाया था, सेन पे क्लिक किया, कॉल टू अनडिफाइंड, कुछ एरर होगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। तो देख लेते हैं, टैग हमारा फायर हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपनी वेबसाइट में गूगल टैग मैनेजर में आपको सेटअप कर सकते हो। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप सिंपली कमेंट कर देना, मैं आपकी हेल्प करूँगा सेटअप करने में। ओके, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। ओके, बाय बाय।